सर मेरे दादाजी कहते हैं कि जूते सेहत के लिए खतरनाक है, तो क्या ऐसा सच में है या नहीं है, मैं आपसे जानना चाहती हूँ। ओके, क्या नाम है आपका? नीरू गोयल। नीरू, आपका क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है। क्या जूते जो हम सुबह से शाम तक पहन के रखते हैं, क्या वो हमारी सेहत के लिए खतरनाक हैं? मेरा आपको आंसर है, खतरनाक नहीं, बहुत खतरनाक है। और क्या उसका सोल्यूशन है वो मैं आपको बताता हूँ, समझना मेरी बात को। सो नीरू, मैं आपको तीन चार रीजन बताना शुरू करता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। अभी आप देखोगे ना, आजकल का लाइफस्टाइल जो है ना, हम लोगों का बड़ा खतरनाक होता जा रहा है। लाइफस्टाइल डिसीजेज होती हैं बहुत सारी। क्या क्या? हार्ट की प्रॉब्लम आ रही है, कोई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम आ रही है, कोई शुगर की प्रॉब्लम आ रही है, कोई ब्लड सर्कुलेशन की प्रॉब्लम आ रही है। हार्ट जो है, अगर आप ब्लड देखोगे हाई हो गया है, ब्लड लो, 50 तरीके की शरीर में बीमारियां लगती जा रही हैं। उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है जो आपको कोई बताता नहीं है, वो रीज़न ये है कि आप नेचर से दूर होते जा रहे हैं, मदर अर्थ के साथ दूर होते जा रहे हैं। हमारा शरीर देखोगे 5 तत्वों से बना हुआ है, ये तो सुना ही आपने, आकाश, वायु, अग्नि, जल, मिट्टी। अगर आप देखोगे तो हम इन सब से दूर होते चले जा रहे हैं। जूते उसमें एक बहुत बड़ा कारण है। कैसे? आप जब सुबह उठते के साथ ही जूते चप्पल पहन लेते हैं, बेड से उतरते के साथ ही हमें आदत पड़ गई चप्पल पहनने के लिए। नहा धो के जब हम लोग तैयार होते हैं तो चप्पल उतारते के साथ ही हम लोग जूते पहनते हैं। फिर पूरा दिन ऑफिस में जा रहे हैं, स्कूल में जा रहे हैं, कॉलेज में जा रहे हैं, पूरा दिन हम लोग जूतों में हैं। जब हम लोग वापस घर आते हैं तो वापस चप्पल पहन लेते हैं। सो आपके पैर, आपका शरीर जमीन के साथ टच नहीं हो रहा है, मदर अर्थ के साथ आपका कनेक्शन टूट गया, बीच में से रबड़ के प्लास्टिक के जूते आ गए। मेरी बात समझ में आ रही है? अब उससे क्या फायदा और क्या नुकसान होता है वो समझाना शुरू करता हूँ। हमारे घरों के अंदर ना दुनिया भर की इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं। इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में टेलीविज़न, फ्रिज, एसी, ये वॉशिंग मशीन्स, ये जितनी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं ना, इनसे निकलते हैं पॉजिटिव आयंस। क्या निकलते हैं? पॉजिटिव आयंस। पॉजिटिव आयंस होते हैं हमारे शरीर के लिए खतरनाक होते हैं। नाम पॉजिटिव है लेकिन होते हैं खतरनाक हैं। जैसे आपने देखा लोहा, लोहे के ऊपर जब पानी और हवा टच होता है तो जंग लगना शुरू हो जाता है, आप समझ लो वैसे ही। जितना बॉडी के साथ आपका पॉजिटिव आयन टच होगा उतनी आपकी बॉडी गलना शुरू हो जाएगी, एसिडिक होगी, उतनी जल्दी बुढ़ापा आएगा, आपका इम्यूनिटी सिस्टम वीक होगा, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम वीक होगा, 50 तरीके की बीमारियां लगेंगी। किसकी वजह से? पॉजिटिव आयंस की वजह से। जब आप बॉडी में पॉजिटिव आयंस का अटैक हो रहा है, नंबर 1, नंबर 2, हमारे मोबाइल से रेडिएशन आ रहा है, वाईफाई का रेडिएशन आ रहा है, आसपास दुनिया भर का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं जो कहां टकरा रही हैं आपकी बॉडी से। जब आपके पैर या आपका शरीर अर्थ के साथ टच होता है ना, तो अर्थिंग हो जाती है, ग्राउंडिंग हो जाती है, मतलब वो जो आई है ना, सब जमीन में चला जाता है। आपने नोटिस किया जैसे कोई बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती है उसके ऊपर अर्थिंग का टावर लगता है, बिजली आई, अगर वो अर्थिंग का टावर नहीं है तो वो पूरी बिल्डिंग को हिला देगा। अर्थ के साथ कनेक्शन है। वैसे ही ये दुनिया भर की नेगेटिव एनर्जीज, दुनिया भर के नेगेटिव वेव्स हमारी बॉडी से टकरा रही हैं, हमारा सिस्टम वीक हो रहा है। अगर हम अर्थ के साथ कनेक्शन में आते हैं तो उसका इंपैक्ट लूज हो जाता है। समझ में आ गया? सो जूतों से खतरनाक बीमारियां पैदा हो रही हैं। मैं जूते पहनने के अगेंस्ट नहीं हूं, पर मैं कोशिश कह रहा हूं, कोशिश करो जितना हो सके मदर अर्थ के टच में जरूर आइए। मैं जितनी वीडियो शूट करता हूं, जैसे अभी वीडियो शूट कर रहा हूं, मैं नंगे पैर हूं, बेयरफुट, मैं जूते अवॉइड करता हूं। ऑफिस में आया, चल के सीट पे बैठा, जूते उतार दिए। जब चलना है, ट्रेवल करना है तो जूते पहन लिए। जब ट्रेवल नहीं कर रहा हूं या ऑफिस में बैठा हूं या घर में बैठा हूं, हमेशा बेयरफुट होता हूं ताकि मदर अर्थ के टच में रहूं। समझ में आ रहा है मेरा? 50 तरीके की बीमारियां पैदा होने से पहले ही आप बच सकते हैं। बात समझ में आ रही है? सो ये एक बड़ा एडवांटेज है। समझ में आ गया? बीमारियां जो रेडिएशन की बीमारियां, उनसे बच गए आप। 50 तरीके की बीमारियां, डाइजेशन खराब हो तो गए, ये समझ में आ गया। दूसरा पॉइंट, अभी क्या है, जूतों के जो तलवे हैं ना, बहुत सॉफ्ट होते हैं,
हमें सॉफ्ट तले अच्छे लगते हैं। आप अगर देखोगे पैर और हाथों के ऊपर हमारे पॉइंट्स होते हैं, एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स होते हैं। जिस पॉइंट को आप दबा रहे हो अलग अलग, जिसको आप दबा रहे हो, अगर आपको पेन हो रहा है मतलब उस पॉइंट में बॉडी के उस ऑर्गन में प्रॉब्लम है। जब आप नंगे पैर वॉक करते हो कुछ पत्थरों के ऊपर, जैसे आज की डेट में कोई एक्यूप्रेशर की मशीन्स भी आती हैं, जमीन के ऊपर पैर, सड़क के ऊपर चलने को नहीं बोल रहा हूँ, जैसे मेरी सोसाइटी में एक लोकेशन ऐसी है जहाँ पे मोटे मोटे पत्थर रखे हुए हैं, तो मैं उनके ऊपर चलता हूँ 5 से 10 मिनट, तो वो पॉइंट्स दब जाते हैं। पुराने टाइम के लोग नंगे पैर चलते थे, आपके दादाजी गांव के अंदर मिट्टी के ऊपर, तो उनके वो पॉइंट्स प्रेस होते रहते थे, तो ब्लड सर्कुलेशन और 50 तरीके की बीमारियां ठीक होती रहती थी, जो कि आपके सॉफ्ट शूज के साथ नहीं हो पाती। समझ में आ गया? सो मैं आपको शूज पहनने मना नहीं कर रहा हूं, मैं आपसे बोल रहा हूं उन शूज से जान भी छुड़ाते रहो। पार्क में जा रहे हो नंगे पैर मूव कीजिए घास के ऊपर। घर के अंदर आप कुछ पत्थर लाके रख सकते हो, जैसे मैंने रखे हुए हैं घर के अंदर ही, कुछ पत्थर रखे हुए हैं उनके ऊपर चल जाता हूं, कुछ एक्यूप्रेशर के पॉइंट, तो पॉइंट्स दबाता रहता हूं। कोशिश करता हूं मदर अर्थ के टच में रहूं। मैं रात को बेड के ऊपर नहीं सोता हूं, गद्दा लगा के जमीन पे, सख्त गद्दा होता है जमीन पे, रजाई पे, जमीन के साथ कनेक्टेड फील करता हूं मैं। तो मैं 50 तरीके की हेल्थ की एक्टिविटीज मैं खुद करता रहता हूं। ये मैं आइडियाज हैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, तो बीमारियों से बचने के तरीके बता रहा हूं आपको मैं। बीमारी लगने के बाद तो डॉक्टर के पास ही जाना पड़ेगा, बट बेटर तरीका यह है कि लगने ही मत दो, हेल्दी लाइफस्टाइल ले आओ। शूज का साइड इफेक्ट समझ में आ गया? वैसे ये वीडियोस मैंने आपके साथ आपके लिए बनाई है, आपको समझ में आ गया होगा कि बीच बीच में जूतों से ब्रेक लेते रहिए जब ले सकते हैं। कोशिश कीजिए मदर अर्थ के टच में आते रहिए, जितना मदर अर्थ के टच में रहेंगे उतना आप हेल्दी रहेंगे। और ये वीडियोस अपने बच्चों को, फैमिली फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए, उनको भी पता नहीं है, वो जानते ही नहीं है कि अनजाने में क्या गलतियां सेहत को खराब करने के लिए कर रहे हैं, उनके साथ वीडियो शेयर कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच। सक्सेस एंड हैप्पीनेस के लेटेस्ट वीडियोस को वॉच करने के लिए जोरबा डिजाइन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें।